आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी जा रही है सर हाँ जा रही है, कोई जी। टेक्निकल बात हो गया था लगता है। लगता है वो लगाए ना आप ईयरफोन लगाए उसके बाद से आवाज आना बंद हो गया जी सर। ऐसे आवाज एकदम साफ आ रहा है? जी साफ आ रहा है आवाज, पहले भी आप लगाए थे तो उधर से साफ ही आ रहा था, इधर से नहीं जा रहा था। जी हम लगाए थे, तुम नहीं लगाए हुई है तो। तुमने नहीं नहीं सर, मोबाइल में नहीं रखा है ऐसा बर्ड्स? सर उसका कोई जरूरी नहीं है, हम लगा नहीं भी लगाएंगे तो फिर हमारा काम होगा, वो लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लगा भी सकते हैं, हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दिन तो आप लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं, जब हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं तो उस दिन तो आते रहता है, आज कुछ हुआ होगा टेक्निकल प्रॉब्लम। क्या क्वेश्चन लिखिए? वितरण का सीमांत उत्पादकता क्या है? वितरण का सीमांत उत्पादकता बताता है कि उत्पत्ति के सभी साधनों का पुरस्कार उत्पत्ति के सभी साधनों का पुरस्कार पुरस्कार दर जैसे मजदूरी दर, ब्याज दर, लाभ दर इत्यादि का निर्धारण सीमांत उत्पादकता के द्वारा होता है। बताओ इसको। मजदूरी बराबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है? श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा मजदूरी का। जी बड़ोसी उसके तो रुई तैयार भेजो है। बुच्ची 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 है सुन ना, तू रुई तैयार भेजो। क्या दी? हाँ क्या दी? तू भी तैयार भाई। हाँ जैकेट, जींस जैकेट, मेरा ब्लू कलर का एक टी शर्ट है जिसपे एक व्हाइट कलर, व्हाइट कलर पिंक से, कलर का वो बना हुआ है डॉल, हाँ, और उसके नीचे पिंक लेगी और ऊपर से तेरे पिंक जैगिंग ये जैकेट पिंक जैकेट। जो बोलो बच्ची मुझे बोला। नीचे में तो डॉल वाला होगा टी शर्ट उसमें रखा हुआ है, बैग में रखा हुआ है सब। नहीं अभी तो चालू नहीं हुआ है जी। वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या बतलाता है? जी मजदूरी वितरण बराबर होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मजदूरी दर किसके बराबर होगा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर होता है। उस तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बराबर हो जाएगा ब्याज दर। लिख लो। सर एक बार और इसको बताएं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर हो जाएगा मजदूरी दर, मतलब कि वेज रेट हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर, तो हाँ, प्रॉफिट रेट हो जाएगा प्रॉफिट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फैक्टर प्रोडक्शन लेबर कैपिटल। जी सर लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगा उतना होगा मजदूरी दर, कैपिटल जी का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगा उतना होगा ब्याज दर। कैपिटल दर, पूंजी का दर जी, हाँ, लाभ का जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गया वो लाभ का दर हो गया, लाभ का नहीं उद्यमी का। उद्यमी का, हाँ उद्यमी का जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गया वो हो गया लाभ का दर। संगठन का जो आर्थिक
पांच को साधन होता है ना जी, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लैंड लैंड लेबर कैपिटल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज एंटरप्राइज। देखो इसको उत्पत्ति के पांच साधन है, व्याख्याता का साक्षात्कार में अगर तुमसे पूछेगा उत्पत्ति के कितने साधन है तो बोले उत्पत्ति के पांच साधन होते हैं, पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन, पांचवा साहस। फिर अगर पूछता है कि इसका पुरस्कार साधन पुरस्कार दर का निर्धारण कैसे होता है, साधन पुरस्कार दर का निर्धारण कैसे होता है, तो जवाब दोगे कि श्रीमान साधन के पांच साधन होते हैं और उसका निर्धारण सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के द्वारा होता है। श्रम का सीमांत उत्पादन के बराबर होगा मजदूरी, पूंजी के सीमांत उत्पादन के बराबर होगा ब्याज, साहस के सीमांत उत्पादन के बराबर होगा लाभ, उद्यमी के सीमांत उत्पादन के बराबर होगा लाभ, भूमि के सीमांत उत्पादकता के बराबर होगा लगान रेंट। लेकिन आम तौर पर उत्पत्ति के साधनों को थ्योरेटिकली दो ही लेते हैं, श्रम और पूंजी। आम तौर पर दो ही लेते हैं, श्रम एवं पूंजी। आम तौर पर उत्पत्ति के दो ही साधन को लेते हैं तो श्रम और पूंजी। उत्पत्ति के दो ही साधन को लेते हैं, श्रम एवं पूंजी। श्रम एवं पूंजी, हाँ। तो श्रम का मजदूरी दर क्या होगा? श्रम का मजदूरी दर हो जाएगा श्रम का सीमांत उत्पादकता। हाँ, पूंजी का मजदूरी, पूंजी का पुरस्कार दर क्या होगा? पूंजी का सीमांत उत्पादकता। इसी को कहा जाता है फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन, लिख लो फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन। हाँ, जैसे कमोडिटी प्राइस डिटरमिनेशन पढ़ती हो ना, मांग और पूर्ति, जी उसी तरह से ही हो गया फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन। फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है? फैक्टर प्राइस डिटरमिनेशन किसी वस्तु के पुरस्कार की दर उसके सीमांत उत्पादकता के द्वारा होता है। और आमतौर पर दो साधन लिया जाता है जी, श्रम एवं पूंजी। जी जी, इसको एक बार और बोलिएगा, क्या बोले? श्रम, आमतौर पर दो ही साधन लेते हैं, श्रम और पूंजी। आमतौर पर दो ही साधन लेते हैं, श्रम और पूंजी। तो श्रम का पुरस्कार दर होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता जी, पूंजी का पुरस्कार होगा पूंजी की सीमांत उत्पादकता, पूंजी का सीमांत उत्पादकता, है ना जी। इसी को लिखोगे Q इज ए फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज। अब देखो डेल क्यू बाई डेल एल को कहा जाएगा श्रम की
सीमांत उत्पादन डेल क्यू बाई डेल एन ये हो गया भूमि का सीमांत उत्पादन भूमि का सीमांत उत्पादन जी जल्दी लाग भागे तो डेल क्यू बाय डेल के पूंजी का सीमांत उत्पादन अब ये जो है बराबर हो जाएगा मजदूरी दर ये हो जाएगा भूमि का पुरस्कार दर ये हो जाएगा पूंजी का पुरस्कार दर और डेल क्यू बाई डेल ओ हो गया संगठन संगठन का पुरस्कार दर अब लास्ट एगो बच गया डेल क्यू साहस बाय डेल ई साहस हो साहस साहस किसी मंत्र पर साहस का सीमांत उत्पादन यही हो जाएगा लाभ दर इसी को बोलते हैं रिसोर्स प्राइस साधन मूल्य का निर्धारण साधन के सीमांत उत्पादन के द्वारा होता है क्लियर हो गया बात जी रिसोर्स प्राइस साधन मूल्य का निर्धारण साधन के सीमांत उत्पादन के द्वारा होता है हाँ साधन पुरस्कार दर है और यही एक्चुअली क्या है उत्पत्ति संगठन संगठन
का सीमांत उत्पादन। संगठन का सीमांत उत्पादन मोती वाला जींस वही जीन मोती पहन लो मोती जी जींस में ये मत पहनो ये अच्छा नहीं लगता। मैं क्लास कर रही हूँ जो मुझसे करती है। अब इसको पढ़ो तो जरा जी सर शुरू से या यहाँ से जहाँ से लिखे हैं लिखा है वहां से ना U is equal to function of N L K O E दूसरे रूम में जाओ तुम लोग। रिसोर्स प्राइस साधन मूल्य का निर्धारण साधन के सीमांत उत्पादकता के द्वारा होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ Q बटे डिफरेंशिएशन ऑफ डेल Q बटे डेल L is equal to श्रम की सीमांत उत्पादकता is equal to मजदूरी दर होता है। डेल Q by डेल N इस कल टू भूमि की सीमांत उत्पादकता भूमि का पुरस्कार दर होता है। डेल क्यू बाय डेल के इस कल टू पूंजी का सीमांत उत्पादकता पूंजी का पुरस्कार दर होता है। डेल क्यू बटे डेल ओ संगठन का सीमांत उत्पादकता इस कल टू संगठन का पुरस्कार दर होता है। डेल क्यू बटे डेल ई साहस की सीमांत उत्पादकता साहस का सीमांत दर यानी कि लाभ दर के बराबर होता है। करेक्ट। अब पूछेगा वस्तु के मूल्य के बारे में पूछता है उसी तरह से साधन के मूल्य के बारे में पूछेगा। जी बोलेगा कि रिसोर्स प्राइस का निर्धारण कैसे होता है। जी तो बोलो कि रिसोर्स प्राइस का जो निर्धारण होता है उसका एक सर्वमान्य नियम है वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। साधन मूल्य के निर्धारण का वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। रिसोर्स प्राइस का निर्धारण वितरण के सीमांत उत्पादकता के द्वारा होता है। जी बस इसी को अभ्यास करोगी। जी सर अब इसी को जो है ना घर में अभ्यास करोगे। जी सर एंड मीटिंग प्रणाम सर।